ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीवी, तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं, हमारे शरीर में होने वाला एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और यह सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस केवल फेफड़े में ही हो सकता है, ये आप शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे फेफड़े में हो सकता है, आपके हड्डियों में हो सकता है, आंतों की भी टीवी होती है, पर ज़्यादातर हमारे फेफड़े की ही टीवी कॉमन है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोवीस की वजह से होता है। अक्सर देखा गया है कि जो फेफड़े की टीबी होती है, इसमें माइकोबैक्टीरियम हमारे फेफड़े के अपेक्स में कॉलोनीज फॉर्म करते हैं और फिर वो कॉलोनीज धीरे धीरे बढ़ करके गांठ का रूप ले लेती हैं। इस तरह से टीबी हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीबी में हम कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं और वो सारी मेडिसिन आखिर उनका क्या साइड इफेक्ट होता है। सारी मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखें कि उसे अपने विहाप पे ना लें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें ट्यूबरकुलोसिस की, क्योंकि ये आपके जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो हमेशा डॉक्टर की निगरानी में करें क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मार्ट्स में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं टीबी की, तो मैंने बताया कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको ट्रीट करने के लिए हम कई प्रकार के बैक्टीरियसाइडल या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक्स लेते हैं, कहने का मतलब एंटीबायोटिक लेते हैं। ट्रीटमेंट से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीबी के बारे में। अगर मैं बात करूं कि टीबी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए तीन विधियां हैं। या तो आपके चेस्ट का एक्सरे किया जा सकता है, या फिर आपके स्पूटम, जिसको हम बलगम कहते हैं, उसका एनालिसिस किया जा सकता है, या फिर मांटूस टेस्ट किया जाता है। ये तीन अलग अलग प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को टीबी हुई है। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट करीब 6 से 8 महीने चल सकता है, या टीबी के कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि दी जाती हैं ट्यूबरकुलोसिस में? दोस्तों, मैं ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन की बात करने वाला हूँ, वो एक प्राइवेट मेडिसिन नहीं है, वो सरकारी मेडिसिन हैं। मतलब जो गवर्नमेंट मेडिसिन देती है वही सारी मेडिसिन हैं, और प्राइवेटली भी इसका भी यूज किया जाता है। बट जब हम किसी प्राइवेट डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेन मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारे मल्टीविटामिन या दूसरे इस तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन की संख्या बढ़ जाती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो डॉट्स दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक मेडिसिन आपको दी जाती है, उसमें कई मेडिसिन मिक्स होती है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की, तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है फर्स्ट लाइन और दूसरी होती है सेकेंड लाइन ड्रग्स। एक्चुअली फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में हम फर्स्ट लाइन का ज़्यादा यूज करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको 3 महीने तक एक मेडिसिन दी जाती है, जिसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स की कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, और वो लाल कलर की होती है, और इसमें पाया जाता है फर्स्ट लाइन ड्रग जो कि होती है आइसोनियाजिड पाइराज़िनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, रिफाम्पिशिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से आपको एक ग्रीन कलर की मेडिसिन दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन को निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब इसमें केवल आइसोनियाजिड पाइराज़िनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, रिफाम्पिशिन होता है। तो कहने का मतलब ये सारी मेडिसिंस आपके शरीर में जाती हैं और शरीर में जाने के बाद टीबी को ठीक करने में सहायता करती हैं। दोस्तों, यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कि सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें आता है पास, जिसको हम कहते हैं पैरा एमिनोसैलिसिलेट, फिर थायाइसिटाजोन, साइक्लोसेरीन, कैनामाइसिन, इथियोनामाइड, बट सेकेंड लाइन का हम बहुत कम यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट लाइन मेडिसिंस जो कि है आइसोनियाजिड पाइराज़िनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, रिफाम्पिशिन जो कि मेन है, इनके क्या साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर हो सकते हैं? दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इनके बारे में कि जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो ऐसा होता है कि वो बैक्टीरियाज को नष्ट करता है, और कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज की जो उनकी सेल्स होती हैं, वो कुछ कुछ हमारी सेल की तरह होती हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम बैक्टीरियाज के ऊपर खराब इफेक्ट डालेंगे, तो हमारे शरीर पर भी खराब इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल पाते हैं। दोस्तों, टीबी के इलाज में हमें बहुत ज़्यादा खतरा उठाना पड़ता है, जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि कभी भी खुद दवा ना लें, हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही दवा लें। चलिए शुरुआत करते हैं फिर अगले पैटर्न की, जो कि है कि एडवर्स इफेक्ट क्या है इन सारी मेडिसिंस का। दोस्तों, अगर आइसोनियाजिड की बात करें और इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो आपको इस मेडिसिन से इंटॉलरेंस हो सकता है, आपके अंदर विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो सकती है, इसका मतलब आपको एनीमिया हो सकता है।
कन्वर्जन्स हो सकते हैं, मतलब आपका मेंटल बिहेवियर बदल सकता है, कुछ साइकाइट्रिक बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं और अपना आप सेल्फ कंट्रोल खो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आइसोनियाज़िड आप लेते हैं। इसी वजह से हम डॉक्टर्स के संपर्क में रह करके मेडिसिन लेते हैं जिससे हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। दूसरी मेडिसिन यहाँ पे आती है इथाम्ब्यूटाल। इथाम्ब्यूटाल ज़्यादा लेने से आपको ऑप्टिकल नेवाइटिस हो सकता है, कहने का मतलब आपका जो विजुअल रेंज है वो कम हो सकता है। इसी तरह से कलर विजन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, गाउट हो सकता है, कुछ मस्कुलर वीकनेस आ सकती हैं, कुछ एनाफाइलेक्टिक शॉक्स भी आपको आ सकते हैं। तो इस तरह से इथाम्ब्यूटाल के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बात कर रहे हैं रिफाम्पिशन की। रिफाम्पिशन ज़्यादा लेने से आपको स्किन रैसेस आ सकते हैं, इसनोफीलिया की प्रॉब्लम आ सकती है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चिल, फीवर और हेडेक भी हो सकता है। देखिए ये सारे मेडिसिंस का कम्बिनेशन दिया जाता है, तो एज अ कम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लास्ट में हम लोग बात कर लें कि पाइराज़िनामाइड अगर हम लोग लेते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी काज हो सकती है, गाउट हो सकता है। देखो होता क्या है कि जब मेडिसिंस हम अपने मन से लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कितनी मेडिसिंस ले रहे हैं, इसी वजह से हमको साइड इफ़ेक्ट देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। बट एक डॉक्टर्स जो कि आपको मेडिसिन देता है वो आपकी निगरानी रखता है और आपको मेडिसिन देने के बाद वो आपसे मिलता है तो वो देखता है कि आपके अंदर कहीं कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है और फिर आप किसी से बता भी सकते हैं। और अगर आप खुद मेडिसिन लेते हैं तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं कि हमें ऐसा कुछ खतरा हो रहा है। तो इसी वजह से बार बार आपसे कहा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस या इस तरह की बड़ी बीमारियों की जो मेडिसिन होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती हैं। इस वजह से कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहें। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस कुछ जानकारी आपको मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में, कुछ दूसरे बीमारी के नॉलेज के साथ में। धन्यवाद।